नरेंद्र मोदी के विकास दावों पर बड़े भाई ने ही साधा निशाना। प्रहलाद मोदी ने लगाया राज्य में भ्रष्टाचार का आरोप। प्रहलाद मोदी ने कहा गरीबों के पेट पर लात मारकर तैयार की गई है विकास की फाइल, पीडीएस में भ्रष्टाचार। मोदी के भाई ने बायोमेट्रिक सिस्टम को कहा गरीबों के खिलाफ साजिश, बोले संख्या कम दिखाने के लिए बना प्लान। बड़े भाई ने 10 लाख गरीबों को बताया सस्ते राशन से महरूम, बोले केंद्र सरकार को कुछ करने के लिए हुआ सब। प्रहलाद के दावे पर राज्य सरकार की सफाई, भ्रष्टाचार नहीं व्यवस्था से है शिकायत, जल्द दूर होगी कलक तह। आज से शुरू हो रही है जेडीयू राष्ट्रीय कार्य समिति की मीटिंग, दो दिनों की बैठक में तय होगी आगे की रणनीति। बीजेपी से रिश्तों को लेकर भी हो सकता है फैसला, एनडीए के पीएम उम्मीदवार को लेकर बढ़ी तनातनी। पीएम उम्मीदवार को लेकर जेडीयू का बीजेपी पर दबाव, बोले मिलकर तय होना चाहिए ना। जेडीयू प्रवक्ता का कड़ा बयान, मिलकर तय नहीं हुआ नाम तो हो जाएंगे रास्ते अलग। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने की शरद यादव और नीतीश से फोन पर बात, बोले रिश्तों में नहीं कोई दिक्कत। आतंकवादी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर को होगी फांसी, सजा उम्र कैद में बदलने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। फांसी में देरी को भुल्लर ने बनाया था याचिका का आधार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पेश किए गए सबूतों के आधार पर याचिका खारिज। दिल्ली में 1993 में हुए बम धमाके का मुजरिम है देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर, यूथ कांग्रेस के बाहर 9 की हुई थी मौत। यूथ कांग्रेस दफ्तर के बाहर हुआ था कार में धमाका, जख्मी हुए थे कांग्रेस नेता एमएस बिट्टा। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का आतंकी है भुल्लर, याचिका खारिज होने से कई और मामलों पर पड़ेगा असर। भुल्लर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एमएस बिट्टा ने कांग्रेस नेताओं पर किया वार, कहा सिब्बल क्यों लड़े भुल्लर का केस। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरा देश करेगा कबूल, अदालत का करते हैं सम्मान। भुल्लर पर फैसले के बाद शिरोमणि अकाली दल का बयान, कहा राष्ट्रपति के पास फिर से करेंगे अपील। भुल्लर की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई नाखुशी, कहा दलील पर नहीं किया गया विचार। भुल्लर के डॉक्टरों ने दी मानसिक तौर पर बीमार होने की दलील, बोले ऐसी हालत में नहीं हो सकती फांसी। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष गडकरी का खुलासा, यूपीए के वरिष्ठ नेता ने सरकार गिराने के लिए मांगी थी मदद, नहीं बताया नाम। गडकरी के बयान पर कांग्रेस की चुनौती, अब नहीं है पार्टी अध्यक्ष, खुलासा किया है तो नाम भी बताएं। राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप के बदले मांगा हलफनामा, आरएसएस और जमाते इस्लामी से नहीं है रिश्ता। गहलोत सरकार के इस फरमान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया, खेल में राजनीति है खतरनाक। राजस्थान सरकार पर जमाते इस्लामी भी नाराज, दी कोर्ट जाने की चेतावनी। टूजी मामले में पीएम को जेपीसी से मिल सकती है क्लीन चिट, रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में जुटे चेयरमैन पीसी चाको। नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कवायद तेज, बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने की फोन पर बात, दिल्ली आकर मिलने को कहा। सियासी बैर का खामियाजा भुगत रही है रायबरेली और अमेठी की जनता, एक हफ्ते से शुरू हो चुकी है बिजली की कटौती। 9 महीने पहले सोनिया के गुजारिश पर रायबरेली और अमेठी को यूपी सरकार ने दिया था वीआईपी का दर्जा, 24 घंटे मिल रही थी बिजली। समाजवादी पार्टी ने दी सफाई, राजेंद्र चौधरी ने कहा मरम्मत की वजह से बिजली की किल्लत। मुंबई से सटे ठाणे में आज दोपहर मीडिया से मुखातिब होंगे शरद पवार, अजीत पवार के मसले पर बयान देने की संभावना। एनसीपी सांसद और पवार की बेटी सुप्रिया सूले ने कहा अजीत पवार के बयान को ना दिया जाए तूल, स्थिति की अटकलों पर लगाया विराम। अजीत पवार के बयानों से गरमाई है महाराष्ट्र में, पानी की सियासत, लग रहा है झूठ बोलने का आरोप।
सवालों में घिरे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री नंदकीराम कंवर, हिस्ट्री शीटर्स को बनाया अपनी रथ का सारथी। हिस्ट्री शीटर्स के साथ दिखने पर गृह मंत्री की दलील, अच्छा नागरिक बनने आए हैं मेरे साथ। बंगाल के राज्यपाल एमके नारायणन ने किया प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का दौरा, परिसर में हुए हमले को बताया शर्मनाक। राज्यपाल ने प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के छात्रों का बढ़ाया हौसला, कहा जुल्म के खिलाफ उठाओ आवाज। बंगाल के राज्यपाल नारायणन ने इशारों में किया सीपीएम पर हमला, कहा लाठी डंडों से विरोध की नहीं है लोकतंत्र में जगह। कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज में तोड़फोड़ के मामले में दो गिरफ्तारी, दो अन्य को पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ा। टीवी पर देखी तोड़फोड़ की तस्वीरों से चेहरे मिलाकर पुलिस ने पकड़ा, अदालत में हुई पेशी। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त की कार पर फेंके गए बम, कार का ड्राइवर समेत तीन घायल। बांग्लादेश के खुलाना जिले में हुआ हमला, फेंके गए थे तीन देसी बम, धमाके के वक्त कार में नहीं थे उच्चायुक्त। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में भारतीय उच्चायुक्त का संबोधन खत्म होने से ठीक पहले हुआ हमला, जमात इस्लामी पर शक। मुंबई के समुद्री तट पर तस्करी की बड़ी योजना बनने की आशंका, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने जताया शक। 4 अप्रैल को तस्करी करता पकड़ा गया था दुबई का एक जहाज, मुंबई डीआरआई का दावा, बड़ी साजिश का था छोटा हिस्सा। मुंबई के बर्ली इलाके में बार पर छापा, 14 बार गर्ल समेत 30 लोग हिरासत में, आज होगी पेशी। जिसमें फरोशी की सूचना के बाद बार पर मारा गया छापा, 82,000 रुपए कैश बरामद। नवी मुंबई बिल्डर की हत्या मामले में एक नया खुलासा, हत्या के आरोपी से नवी मुंबई के पुलिस कमिश्नर की कई बार बात हुई। 16 फरवरी को हुई थी बिल्डर सुनील कुमार लाहौरिया की हत्या, सुरेश बिजलानी नाम का शख्स है प्रमुख आरोपी। बीती रात मुंबई के वाकोला इलाके में हादसा, डिवाइडर से टकराया तेज रफ्तार ट्रक, ड्राइवर को मामूली चोटें। दिल्ली के बादली इलाके में मिला लड़की का बिना कपड़ों का शव, तेजाब से झुलसा था चेहरा। पुलिस को बलात्कार के बाद हत्या का शक, अब तक नहीं हो सकी है पहचान। गाजियाबाद में पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार, अवैध रिश्तों के शक में की थी हत्या, दो और धरे गए। दिल्ली के पांडव नगर में दो बाइक सवारों ने कार सवार को लूटा, 35 लाख कैश लेकर हुए फरार। दिल्ली गैंगरेप के आरोपियों के वकील ने कोर्ट से की शिकायत, जेल में विजिटर से नहीं मिलने देते, खुद जेल जाने की मांगी इजाजत। नोएडा में 62 साल के बुजुर्ग ने दिखाया हौसला, अकेले दम पर लुटेरे को पकड़वाया। बदमाशों से हुई भिड़ंत में घायल हुए गणेश दास, साथी को छुड़ाने के लिए दूसरे लुटेरे ने मारा चाकू। नोएडा में लूट के इरादे से घर में घुसे थे दो लुटेरे, घर की मालकिन ने उन्हें देख मचाया था शोर। दिल्ली में सामने आई प्लेसमेंट एजेंसी की धोखाधड़ी, एक नेत्रहीन हॉस्टल चलाने वाले परिवार को लगाया 1,000 रुपए का चूना। मेड दिलाने के नाम पर प्लेसमेंट एजेंसी का धोखा, साल भर का कमीशन ऐठा, फिर घंटे भर में चंपत हुई मेड। दिल्ली के मंडावली इलाके में खुले नाले में मिली बच्चे की लाश, 2 दिन से था लापता। जम्मू की किश्तवाड़ में सड़क हादसा, खाई में गिरी बस, 5 लोगों की मौत। जोधपुर में इलाज में लापरवाही का केस, नवजात की आंखों को नुकसान। मुंबई में पुलिस वालों का स्टिंग, करने वाले शख्स को जान का खतरा, कहा आ रहे हैं धमकी भरे फोन, सरकार से मांगी सुरक्षा। अवैध निर्माण को मंजूरी देने को लेकर एक शख्स ने किया था स्टिंग, कैमरे में कैद हुए रिश्वत लेते पुलिस वाले। बाहरी दिल्ली के बवाना इलाके में झुग्गियों में लगी भीषण आग, 450 परिवारों पर आफत। आग में झुलसे 2 बच्चे, 8 घायल अस्पताल में भर्ती, देर रात तक प्रशासन से मदद नहीं मिलने की शिकायत।
मौके पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आग बुझाने में की मदद, कपड़े और खाने पीने का सामान भी बांटा। उत्तर प्रदेश के बुगलसराय में चलती ट्रक में अचानक लगी आग, सीमेंट से भरा था ट्रक। तेजी से फैले ट्रक में लगी आग, ड्राइवर और हेल्पर ने कूद कर बचाई जान, आग बुझाने में दमकल गाड़ियों को करनी पड़ी मशक्कत। नोएडा में सेक्टर 74 में लगी आग से कई झुग्गियां जलकर खाक, सिगरेट या बीड़ी की वजह से आग लगने का अंदेशा। चूरू के रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, वन विभाग के अधिकारियों ने बड़ी मुश्किल से पाया काबू। रेस्क्यू ऑपरेशन में घायल हुआ वन विभाग का कर्मचारी, चूरू में पिछले चंद महीनों में रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुसने की ये तीसरी घटना। 15 अप्रैल से शुरू होगा दिल्ली मेट्रो के तीसरे चरण का काम, भिकाजी कामा प्लेस से सराय काले खां तक बनेगा अंडरग्राउंड टनल। मेट्रो टनल बनने की वजह से रिंग रोड पर कई जगहों पर होंगे ट्रैफिक डायवर्जन, 3 सड़कें होंगी बंद। हैदराबाद से गायब हुई एक्ट्रेस अंजलि थाने पहुंची, कहा बिना बताए चली गई थी मुंबई। अंजलि ने दर्ज कराया अपना बयान, पुलिस कर रही है जांच। मथुरा में आईओसीएल की पाइपलाइन से करोड़ों रुपए के तेल चोरी, गांव वालों की मदद से पकड़ी गई तेल माफियाओं की करतूत। आईओसीएल की पाइपलाइन से अंडरग्राउंड पाइप जोड़कर निकाला जा रहा था कच्चा तेल, रोज हो रही थी हजारों लीटर तेल की चोरी, पुलिस की मिली भगत। राजकोट में दलित महिलाओं को गांव के तालाब से पानी लेने से रोके जाने की खबर, महिलाओं की शिकायत पर जांच का भरोसा। अभिनेता प्राण को देश का सबसे बड़ा फिल्मी सम्मान, सरकार ने किया दादा साहब अवार्ड देने का ऐलान। प्राण को 93 साल की उम्र में मिला सम्मान, 350 से ज्यादा फिल्मों में किया है काम। प्राण को 2001 में मिला था पद्म भूषण अवार्ड, फिल्मफेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। अभिनेता प्राण को दादा साहेब फाल्के सम्मान मिलने से बॉलीवुड गदगद, बिग बी ने ट्विटर पर लिखा भारतीय फिल्म जगत के महान स्तंभ को गौरवशाली सम्मान। प्राण के परिजनों ने भी अवार्ड पर जताई खुशी, बेटे बेटी ने कहा बेहद खुशी का है मौका। आईपीएल के रोमांचक मैच में हैदराबाद ने दिल्ली को पीटा, 3 विकेट से जीता सनराइजर्स। आईपीएल 6 में दिल्ली को अब तक नहीं मिली एक भी जीत, चारों मैच हारा डेयरडेविल्स। 4 मैचों में 3 जीत का रंग तालिका में उछला, हैदराबाद पहुंचा दूसरे पायदान पर। आईपीएल के थप्पड़ कांड पर श्रीकांत का खुलासा, कहा हरभजन सिंह ने कभी मुझे थप्पड़ नहीं मारा। आईपीएल मैच में तकरार के बाद विराट और गंभीर को बीसीसीआई ने घेरा, चेयरमैन राजीव शुक्ला ने कहा ऐसे बर्ताव के लिए कोई जगह नहीं। वैसाखी फेस्टिवल में वडाली ब्रदर्स ने बांधा समा, दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में सुरों से सजी शाम। खान पान से लेकर पूरे माहौल में दिखी पंजाब की झलक, 14 अप्रैल तक चलेगा वैसाखी फेस्टिवल। मुंबई में भी मनी बैसाखी, शामिल हुई बॉलीवुड और दूसरे क्षेत्रों की हस्तियां। बैसाखी फेस्टिवल में धर्मेंद्र और मिल्खा सिंह समेत हर क्षेत्र में बड़ा मुकाम हासिल करने वालों का सम्मान पंजाबी आइकन अवार्ड से नवाजे गए। नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में सिंगर हनी सिंह ने किया परफॉर्म, विवादों में आने के बाद पहला कार्यक्रम। कैलिफोर्निया में 3 नाबालिग गिरफ्तार, 15 साल की लड़की से बलात्कार का आरोप, लड़की ने की खुदकुशी। लड़कों ने बलात्कार की खींची थी तस्वीरें,
उसे स्कूली दोस्तों में बांटने का आरोप। अमेरिका का दावा, नॉर्थ कोरिया ने अब तक नहीं दिखाई परमाणु मिसाइल तैनात करने की क्षमता। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ ने कबूला, अमेरिका को दी थी ड्रोन हमले की इजाजत। 16 साल की पाकिस्तानी लड़की को भारत में मिली नई जिंदगी, सफल रहा लिवर ट्रांसप्लांट।